मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अब सिनेमाघरों में बाहर की रेट पर मिलेगा खाने पीने का सामान। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिनेमाघर के अंदर बिकने वाले कई गुना महंगे खाने पीने के सामान पर महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि सिनेमाघर के अंदर खाने पीने की चीजें सामान पर छपी कीमतों पर ही बेची जानी चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आगे सुनवाई के दौरान कहा कि अगर मल्टीप्लेक्स लोगों को बाहर से खाने का सामान सिनेमाघरों के अंदर ले जाने से रोक रहा है तो सभी खाने वालों पर रोक होनी चाहिए, तब आप मल्टीप्लेक्स के अंदर अपने ग्राहकों को खाने का सामान और स्नैक्स नहीं बेच सकते। कोलकाता में पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर बीजेपी नाराज है। बीजेपी का आरोप है कि पंचायत चुनाव में प्रशासन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की मदद कर रहा है। चेन्नई में लगने वाला है भारत में बने हथियारों और कलपुर्जों का सबसे बड़ा मेला। चेन्नई में 11 अप्रैल से डिफेंस एक्सपो शुरू हो रहा है। 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें पहुंचकर विधिवत उद्घाटन करेंगे। डिफेंस एक्सपो की सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि अब तक हथियार खरीदने वाला भारत अब हथियार बेचेगा। डिफेंस एक्सपो में भारत में बने सेना के साजो सामान और कलपुर्जे दुनिया को दिखाए जाएंगे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए खुशखबरी दी है। इस साल मध्य भारत के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रायपुर, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। झारखंड की राजधानी रांची में 200 नई और आधुनिक सिटी बसें चलाई जाएंगी। झारखंड के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के मुताबिक राज्य में परिवहन व्यवस्था दुरुस्त की जाने की योजनाएं बनाई गई है। बिहार की राजधानी पटना में नगर निगम की टीम पर हमला बोला गया है। घटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सालिमपुरा अहरा इलाके की है। यहां नगर निगम की टीम जिला प्रशासन की टीम के साथ अतिक्रमण हटाने गई थी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।